1984 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸੁਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਨਕਹੀ ਦਾਸਤਾਨ। श्री दरबार साहब अमृतसर की परिक्रमा चो एक 3 साल का बच्चा अगवा होने की खबर मिली है। इस बच्चे नू बीती रात कुछ अणपछाते व्यक्तियों वालों अगवा किया गया, जिसका खुलासा श्रोमणी कमेटी वालों लगाए गए CCTV कैमरिया की फुटेज तो होया। श्री दरबार साहब परिक्रमा च वापरी अगवा की इस घटना आम करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि श्री दरबार साहब समूह नू सिख संगत लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित मनिया जाता है। मौजूदा श्रोमणी कमेटी के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ वालों भी अजिहा दावा कई बार किया जा चुका है। इस खबर से ज़्यादा जानकारी लिए असी गल करते हैं साडे अमृतसर तो पत्रकार राजन गुसाई दे नाल, जिहड़े साडे नाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस वेले। राजन, किन्हां लोकां ने अगवा किया, हो सकता है बच्चा जिहड़ा अगवा किया गया? जी सुरिंदर, रात नूं कल फिरोजपुर तो 8:30 बजे एक परिवार अज सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे विच मत्था टेकन लई आउंदा है, और काफी थकावट होने के कारण परिवार जिहड़ा है सचखंड श्री हरिमंदर साहब की परिक्रमा के बेड़ बाबा बुढ़ा जी के कोल सारा परिवार सो जाता, और सवेरे जो उठते हैं तो इन्हों के परिवार का 3.5 साल का बच्चा जरा उन्होंने नहीं मिलता, जिसका नाम गुरमिलाप सिंह दसया गया। इस तो बाद जो CCTV फुटेज की जो घोख की गई तो उस पता लगा कि ये 2 लेडीज और 2 जेंट्स जड़े ने वो इन्हों के बच्चे चुके लैके ने। बिल्कुल तुम सही कहा कि ये जी सिक्योरिटी व्यवस्था है दरबार साहब की सवालिया निशान जरूर उठते हैं। राजन, ये भी उत्थे सिस्टम हैगा एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कि उन्होंने वालों पहरेदार रात को ड्यूटी देते हैं परिक्रमा के ताकि जिहड़ा उत्थे संगत का समान है जी जिन्हों कैमरे नहीं मिलते उत्थे ही सो जाते हैं, वह उन्होंने कोई समान वगैरह चोरी ना कर सके। पर हुण समान की गल नहीं, एक जिउंदा जागदा बच्चा उत्थों चुक्या गया संगत का जी दर्शन करने लिए आई हुई सी, एक वड्डा सवाल लगता है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जी सुरक्षा है उसके उत्ते उन्होंने टास्क फोर्स भी बनाई हुई है। टास्क फोर्स सियासी तौर पर तो पूरा हमलावर होकर लोगों को कुटदी मारती है, पर अजिही जो कोई गलबात होती है वो पूरी तरह सुरक्षा देने के नाकामयाब रही है श्रद्धालुओं लिए, की कहोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, जिवें ऑपरेशन ब्लू स्टार की यादगार जो इतने मनाई गई 29वीं उदो एक समर्थक एक पार्टी के समर्थक को बुरी तरह टास्क फोर्स वालों बुरी तरह ना सिर्फ कुटिया गया, पगड़ी भी जी उछाली गई और बाल भी जड़े कुटे गए, काफी बेअदबी भी की, और इन्ने सारे इंतजाम का सिर्फ दावा जरा किया जा रहा सियासी मौकों से ही जड़े नजर आते हैं। इस तरह की जिस तरह अब किसी बच्चे की किडनैपिंग की घटना पहली नहीं है, मैं तुम दस दें अच्छ तो 1.5-2 साल पहले भी एक जी बच्ची है इतो जलंधर का परिवार से उन्होंने एक बच्ची इतों गायब हुई हुई है, काफी टाइम हो चुका उस बच्ची का भी कुछ नहीं पता लगा, हालांकि उस वेले CCTV फुटेज के उस बच्ची की कोई जी फुटेज नहीं सी मिली, हालांकि इस केस के फुटेज भी मिल गई है। पुलिस जी है अपने तौर पर किडनैपर को फड़न की जी पूरी कोशिशों में भी लगी, लेकिन SGPC की जी सुरक्षा व्यवस्था के जोड़े दावे किए जाते हैं उन्होंने अज इस घटना ने पोल खोल के रख दी है। राजन, किसे नाल तुहाडी गल हो पाई है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के किसे अधिकारी नाल? नहीं सुरिंदर, अजे फिलहाल जे SGPC के जे भी अधिकारी ने इस मामले को लैके बिल्कुल चुप्पी करते हुए ने, हाँ कैमरे के अगे तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहते, लेकिन उस तरह यह दसया जा रहा है कि इस मामले के बच्चे लभन लिए SGPC पूरी जी है पुलिस की जी मदद कर रही है, CCTV फुटेज मुहैया करवाई जा रही है, मीडिया तक जिहड़ा पहलो मीडिया अंदर नहीं सी आया, काफी पाबंदियां थी मीडिया से, मीडिया को भी खुली तौर पर जी मदद की जा रही है, मीडिया को CCTV फुटेज भी दी जा रही है। इस तो लग रहा है कि SGPC जी है बैकफुट पर इस घटना तो बाद बैकफुट पर आई है। राजन, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आओ साडे नाल कदी भी ते कितों भी जुड़ो, आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते, खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।